हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सभी ट्रेनों को एहतियातन 31 मार्च तक के लिए कैंसिल कर दिया गया है। कोरोना वायरस से जुड़ी यह बड़ी खबर है और कोरोना वायरस को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अब यह बड़ा फैसला लिया गया है। 31 मार्च तक सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दे रहे हैं हम आपको एबीपी न्यूज पर। 31 मार्च तक के लिए पूरे देश में सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, यानी कि सबका परिचालन रोक दिया जाएगा। अब कोई ट्रेन नहीं चलेगी। यात्री या लोग जो भी जहां है वहीं रहेंगे, कोई भी कहीं नहीं जा पाएगा। और आप भी इस बात का जरूर ध्यान रखिए, 31 मार्च तक के लिए सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और बहुत जरूरी और एहतियाती कदम उठाया गया है सरकार की तरफ से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दे रहे हैं हम आपको, 31 मार्च तक के लिए सभी ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। तोमर साहब, 31 मार्च तक के लिए ट्रेनों को रोक दिया गया है एहतियातन, बहुत बड़ी खबर है। संसद में भी अब संसद क्या लॉकडाउन होगी, वहां कुछ कड़े कदम उठाएंगे आप लोग? अभी संसद की दृष्टि से कोई फैसला नहीं हुआ है। हम सबको विदित है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी देशवासियों को कहा है कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है, और उसके लिए जो एहतियात आवश्यक है वो एहतियात बरतने की आवश्यकता है। मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं तोमर साहब। दर्शकों को एक बार मैं बड़ी खबर से एक बार फिर से अपडेट कर देता हूं। उस वक्त की बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं अपने दर्शकों को, 31 मार्च तक के लिए पूरे देश में ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है। एहतियातन यह कदम उठाया गया है। कोरोना वायरस से जुड़ी यह बड़ी खबर है। सभी ट्रेनों का परिचालन 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। एबीपी न्यूज ने कुछ देर पहले आपको बताया था कि 25 मार्च तक के लिए फैसला हो सकता है, लेकिन एहतियातन सरकार ने इसको बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया है। विकास भदौरिया पूरी जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए। विकास, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, अपने अभी अभी रेलवे मंत्रालय ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके तहत 31 मार्च तक के लिए सभी ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है। और ये चार पॉइंट का ये जो नोटिफिकेशन है ये रेलवे मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। इसमें साफ किया गया है कि जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं, एक्सप्रेस ट्रेनें हैं और इंटरसिटी ट्रेनें हैं, ये सभी ट्रेनें जो है वो अगले 24 घंटे के अंदर कैंसिल कर दी जाएंगी और 31 मार्च तक इन ट्रेनों का परिचालन नहीं होगा। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि सबर्बन ट्रेन हैं, जो मेट्रो रेलवे है, इसके अलावा जो कोलकाता मेट्रो है, इसमें 24 घंटे के अंदर तमाम जो ट्रेन हैं उनका भी परिचालन रोक दिया जाएगा 31 मार्च तक के लिए। और ये जो तमाम जो लोगों के टिकट कैंसिल होंगे उनका रिफंड भी उन लोगों को लौटा दिया जाएगा। ये जो कदम उठाया है रेलवे मंत्रालय ने, ये कोरोना वायरस के कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने के लिए, यानी कि सामुदायिक विस्तार को रोकने के लिए उठाया गया है। और तमाम जो जर्नी एसी के साथ वो रद्द हो जाएंगी लोगों की। लगातार पिछले 24 घंटे से रेलवे मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री और एबीपी, प्रधानमंत्री से लेकर एबीपी न्यूज भी अपील कर रहा था लोगों से कि वो ट्रेनों में सफर ना करें, क्योंकि इससे कोरोना वायरस के सामुदायिक विस्तार का, सामुदायिक फैलाव का खतरा बढ़ जाएगा। और पिछले 24 घंटों के अंदर ट्रेनों में करीब 8 से ज्यादा कोरोना वायरस के पेशेंट पॉजिटिव पाए गए हैं और उसके मद्देनजर रेलवे मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। जी, बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं आप विकास, बने रहे हमारे साथ। पंकज झा हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। पंकज, विकास बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं, चार पॉइंट का नोटिफिकेशन उन्होंने बताया, लंबी दूरी की ट्रेनें, इंटरसिटी एक्सप्रेस सबको 24 घंटे के अंदर बंद कर दिया जाएगा, सबके पहिए थम जाएंगे, क्या कुछ और जानकारी आप इसमें ऐड कर पाएंगे? देखिए, रेल विभाग से जो जारी हुआ है उसमें देखिए, जो ऑर्डर जारी हुआ उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि ऑल ओरिजिनेटिंग लॉन्ग डिस्टेंस मेल एक्सप्रेस एंड इंटरसिटी ट्रेन्स एंड ऑल ओरिजिनेटिंग पैसेंजर ट्रेन्स शैल रिमेन कैंसिल्ड टिल 24:00 आवर्स ऑफ 31 मार्च, यानी 31 मार्च तक रात 12 बजे तक देश भर में जितनी भी ट्रेनें चल रही हैं वो सब ट्रेन सेवा रोक दी गई है। उसके बाद जो लिखा हुआ है कि ऑल सबर्बन ट्रेन्स एंड ट्रेन्स ऑफ मेट्रो रेलवे कोलकाता शैल बी टोटली कैंसिल्ड फ्रॉम 24 आवर्स ऑफ 22 मार्च,
यानी 22 मार्च की रात 12 बजे से कोलकाता मेट्रो जो है वो 31 मार्च तक कोलकाता मेट्रो नहीं चलेगी। आपको ये भी पता है कि दिल्ली मेट्रो में भी कल कुछ घंटों के लिए चल रही है, हो सकता है इस पर भी आगे फैसला हो जाए। जिस तरीके की तस्वीरें और वीडियो आ रही थी मुंबई में और महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से पटना जाने वाली ट्रेन में, उसको देखते हुए और जो कोरोना वायरस को देख के कि इस तरह से भीड़ आ रही है, ये एक बड़ा फैसला हुआ है। रेलवे वो पहले विचार कर रहा था कि 25 मार्च तक ट्रेनों की आवाजाही रोकी जाएगी, अब 31 मार्च तक हो रहा है, यानी देश का एक बड़ा हिस्सा अगर अब देखे, दो राज्यों में भी लॉकडाउन हो चुका है, एक बड़ा हिस्सा लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है, रेलवे ने जो बड़ा फैसला लिया है। जी पंकज, ये एक अहम फैसला है क्योंकि लगातार हम आप चर्चा भी कर रहे थे, अगर राज्य सरकारें फैसला नहीं ले रही हैं तो ऐसे में रेलवे की तरफ से जो एहतियाती कदम उठाया गया ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और काफी हद तक इस पूरी स्थिति को कंटेन करने के लिए कारगर कदम भी होगा। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीड़ आ रही थी, वो वीडियो देखी जो रेलवे के अधिकारी ने डाला है, उसके बाद आप किस तरीके से इनकी थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे, इन चेकिंग करेंगे, ये असंभव था और इसीलिए बड़ा फैसला लिया गया है। और हो सकता है आज जनता का कर्फ्यू लगा 14 घंटे के लिए, लेकिन हम बार बार ये कह रहे हैं कि आप तैयार रहें, इससे भी कड़े फैसले लेने होंगे हम सबको एक बड़े वक्त के लिए अपने घरों में रहने का और एहतियात बरतने के लिए अपनी तैयारी रखनी होगी। जी बिल्कुल, अपनी तैयारी रखनी होगी। पंकज मुझे एक बात और बताइए, अब कम से कम जो खतरा हम देख रहे थे, खास करके जो तस्वीरें हम देख रहे थे, बिहार की तस्वीरें दिखा रहे थे दर्शकों को, जो ट्रेन में चढ़ने के लिए यात्री परेशान थे और पटना दानापुर वो ट्रेन पहुंचने भी वाली है, तो ऐसे में उससे निपटा जा सकेगा। सवाल एक और, इन सब के बीच कई जगहों पर राहत सामग्री भी पहुंचानी होगी, उसके लिए भी कुछ कदम उठाने पड़ेंगे और उसमें रेल का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ बिल्कुल, जो लोग अब पहुंच रहे हैं या पहुंचने वाले हैं उनको भी उनके गंतव्य तक ले जाने के लिए नीतीश सरकार को पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, आदर्श, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।